जहां एक ओर इसराइल का गाजा में हमास का सफाया करने का अभियान पिछले 10 महीनों से जारी है, वहीं इसराइल के ही बड़ी संख्या में लोग नेतन्याहू सरकार पर युद्ध रोकने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर लंबे समय से इसराइली सड़कों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जता रहे हैं। बीते 10 महीनों से अपनों की राह ताक रहे इसराइलियों का गुस्सा एक बार फिर फूटा है। अभी भी 100 से ज्यादा इसराइली हमास के कब्जे में हैं, जिनकी रिहाई को लेकर इसराइली लोग सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं। एक बार फिर प्रदर्शनकारियों ने बड़ी रैली का आयोजन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। बंधक समझौते और नए चुनावों की मांग को लेकर लोगों ने रात भर पूरे इसराइल में प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में लोगों ने जमकर नारेबाजी कर नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बिगुल फूका। इजरायली राजधानी तेल अवीव में बंधक बनाए गए लोगों के परिवार वालों समेत हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। अपने प्रियजनों की वापसी की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी टीम से समय से पहले एक समझौते पर पहुंचने की गुहार लगाई। लंबे खिंचते युद्ध से त्रस्त हो चुकी इजरायली जनता काफी समय से युद्ध रोकने की मांग कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बीच सड़क में आग लगाई। सरकार विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों के इस कदम से साफ जाहिर है कि उनके सब्र का बांध अब टूट गया है। कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में कलर गैस भी देखा गया, जिसका धुआं ऊपर की ओर उठ रहा था। बैंड की धुन के बीच प्रदर्शनकारी सरकार को नींद से जगाते हुए देखे जा सकते हैं। कई प्रदर्शनकारी अपने होठों को पट्टी से बांधे हुए भी देखे गए। उनके आंखों में प्रतिशोध की आग साफ तौर से झलक रही थी। वहीं कई प्रदर्शनकारियों के हाथों और इजरायली झंडे को खून की तरह लाल रंग से सना हुआ देखा गया। साथ ही बैनर पर स्टॉप द वॉर लिखा हुआ था। कई लोगों के हाथों में अपने करीबियों के बड़े बड़े तस्वीरों वाले पोस्टर भी देखे गए, जो अब तक हमास के चंगुल में फंसे हुए हैं। वहीं बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मिस्र और कतर जैसे मध्यस्थ देशों का मानना है कि अमेरिका की ओर से पेश किया गया प्रस्ताव इसराइल हमास के बीच के सभी गैप को भर सकता है। ऐसा माना जाता है कि 7 अक्टूबर को हमास की ओर से किडनैप किए गए 251 बंधकों में से 111 गाजा में रह गए हैं। इनमें से IDF की ओर से पुष्टि की गई है कि 39 के शव भी शामिल हैं। बता दें कि हमास ने नवंबर के अंत में एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान 105 नागरिकों को रिहा किया था। उससे पहले 4 बंधकों को रिहा किया गया था। 7 बंधकों को सैनिकों ने जीवित बचाया था। इनमें से 3 लोग वह भी शामिल है जिन्हें इजरायली सेना ने हमास लड़ाका समझकर मार डाला था। बता दें कि इजरायली मीडिया चैनल 12 के हालिये सर्वे में सामने आया था कि 63% इजरायली बंधक समझौते का समर्थन करते हैं, जबकि 12% लोग इसका विरोध करते हैं। वहीं 25% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस डील से कोई लेना देना नहीं है।